हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग जो है हस्बैंड स्टार्ट कर दिए थे। आप देख सकते हो कि जैसा कि फ़ोन उनके हाथ में था तो वही शूट कर रहे थे सब कुछ। तो पहला फर्स्ट क्लिप उन्हीं का था। और अभी देखिए, हम संगम गए थे, फिर उसके बाद बड़े हनुमान जी का दर्शन किया और फिर उसी दिन हम लोग यहाँ नैनी ब्रिज पर आ गए थे। क्योंकि मुझे बहुत दिन से मेरा बड़ा मन था कि मैं नैनी ब्रिज देखूं। ये बिल्कुल कलकत्ता की तरह ये ब्रिज लगता है ना, तो बस इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे कि यहाँ भी थोड़ा देख लेती हूँ फिर कब आना हो। तो यहाँ देखिए, हम नैनी ब्रिज पे आ गए हैं और इतना खूबसूरत यहाँ का दृश्य था। ऊंचाई से जब मैं नीचे देख रही थी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि सब बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। और गंगा जी तो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, आप पीछे देख सकते हो। यहाँ सभी ने अपने अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक किया। ये देखिए, ये इलाहाबाद वाली सिस्टर थी, उनके हस्बैंड थे, दोनों बच्चे थे उनके। और ये मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हैं, आप देख सकते हो। और ये देखिए, थोड़ा सा मैं क्लिप दिखा रही हूँ आपको गंगा जी का, कितना ज़्यादा ये विशाल है आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, नीचे देखने में मुझे डर ही आ जा रहा था। और ये थोड़ा सा मैंने ब्रिज का ले लिया है, देखिए। और जब ये गाड़ी वगैरह ये ब्रिज से जा रही थी ना, तो पूरा ब्रिज जो है वो हिल रहा था, तो हम लोग को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। बट ऐसा है नहीं, ये बहुत मजबूत ब्रिज है। और यहाँ पे फिर सभी ने अपने अपना जो है सेल्फी लिया। और ये बहनोई जो है वो सभी को दिखा रहे हैं और सब साथ में फ़ोटो क्लिक किए, जैसे कि तीनों लोगों ने, तीनों बहनोइयों ने। तो ये देखिए, इन लोग का जो है मस्ती टाइम है। और फिर हम आ गए थे नवग्रह मंदिर। यहाँ पे मैं एरिया नहीं बता सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो बहुत खूबसूरत ये मंदिर था। जब आप पूरा मंदिर देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे, अगर आप कभी प्रयागराज आना तो ये मंदिर ज़रूर देखना, अद्भुत मंदिर है ये। एंजल साथ में रहना मौसी के, ये तो बोल रहे हैं नवग्रह मंदिर नारंग जी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं नवग्रह मंदिर। ये विष्णु जी का मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत। आप देखिए, ये हस्बैंड है अपना शूज़ खोल रहे हैं, बाकी लोग आगे चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए, एक खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे देखिए, सिस्टर जो है वो कुछ बच्चों के लिए ले रही है। वो जैसे कि हम काफ़ी समय से निकले हुए हैं घर से ना, तो बच्चों को भूख लग गया है। अभी हम जाएंगे बच्चों के लिए कुछ लेने, बट अभी यहीं पे हैं मंदिर में। पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर चेहरे का हालत देख लीजिए क्या हो गया है। और हम दोनों बहुत दिनों बाद जो है कहीं निकले हुए हैं। आओ रंजू। तो ये देखिए, मैं तोता खरीदी हूँ छब्बी के लिए, सबके लिए खरीदी हूँ, आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे फेस पे क्या हो गया, ये कुछ दाना निकल गया है। क्षमा, सब लोग आगे चली गई हैं, मैं अभी चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरे से आपको एक दृश्य दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत है, बट मेरे हाथ से नहीं पहुँचेगा। तो हस्बैंड से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को दिखा दें, दिखा दीजिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, तो बैक कैमरे से दिखा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स बच्चों को। हाँ, एक लोग यहीं पे खड़ा रहेगा ना। ये देखिए, चिप्स, कुरकुरे जो है वो सब अंदर ले जा रहे, तो अंदर शायद मना है ये सब ले जाना। कोई लोग ऐसे मत जाइए, फिर रहो सब लोग पापा के साथ। तो बहुत दिन बाद मैं इलाहाबाद आई हूँ, बहुत काफी टाइम हो गया मुझे आए हुए। और ये दिखाए हैं जो हाथी है। अच्छा, तो मंदिर में तो आप लोग को दर्शन नहीं करा पाऊंगी, पर बाहर में थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हो हाथी भी दिखा दिए। देखिए रंजू है, हाथी भी दिखा दिए हैं। अरे अभी को गुन्नू जो है ना, वो नीचे उतरी है, पूरे टाइम सिर्फ ये गोदी 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 में थी। अभी को तो थोड़ा सा देखिए नीचे आई है। अच्छा, विष्णु जी के नाभि में से ब्रह्मा जी निकले। चलो ठीक है, चलो देख लिया।
और फ्रेंड्स मंदिर के अंदर का मैं कुछ भी आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना मना था। और ये बाहर का है, सीता मैया हैं, राम जी हैं और हिरण को मारने के लिए कह रही हैं, तो ये मैंने ले लिया। और ये हाथी का मैंने ले लिया, यहाँ पे सब लोग सेल्फी लेते हैं तो थोड़ा सा मैंने ये भी क्लिप ले लिया। और अभी हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल के मंदिर और चलिए चलते हैं। तो आप दृश्य देख सकते हो कितना खूबसूरत है, पार्क टाइप का भी है और हर जगह कुछ ना कुछ मतलब बना हुआ है देखने के लिए, मतलब भगवान लोग की मूर्तियाँ। तो अभी देखिए राम लक्ष्मण जानकी बिल्कुल सामने फ्रंट पे ही आपको मिल जाएंगे और इनके बगल में बड़े से लड्डू गोपाल पालने में बैठे हुए हैं। तो बस ये हस्बैंड बाहर से ही थोड़ा सा ले लिए थे कि आप भी दर्शन कर लो, फिर डायरेक्ट हम यहाँ से घर चले गए थे। और ये क्लिप जो है वो गुरुवार की थी, तारीख था 9 दिसंबर था। फिर हम चले जाते हैं घर, फिर खाना वाना खा के फिर पूरी रात हम लोग दो बजे तक हम लोग जगे थे, सिर्फ बातचीत ही कर रहे थे। और अगली मॉर्निंग हमको बनारस जाना था हम सभी को। तो अभी देखिए हम मंदिर से निकल गए हैं और अभी आपको मैं अप्सरा का दर्शन कराऊंगी। ये यहाँ के फ्रंट गेट पे दोनों साइड में ना अप्सरा खड़ी रहती हैं। और फ्रेंड्स ये जो है अगली मॉर्निंग यानी कि शुक्रवार का क्लिप है और तारीख जो है वो 10 तारीख है, 10 दिसंबर। तो हम बनारस के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमारा 2 दिन का ही ट्रिप था इलाहाबाद में, 2 दिन का ही छुट्टी हस्बैंड को भी मिला था तो बोले कि चलो ठीक है 2 दिन तुम लोग को घुमा के लेके आ जाता हूँ। और ये कुछ बाहर का मैंने क्लिप ले लिया है रास्ते का। फिर एक ढाबा आया जैसे कि वहाँ पर तंदूरी चाय मिल रहा था, तो बहनोई आते जाते रहते हैं तो उनको पता था, तो बोले दीदी चलिए वहाँ पे मैं आपको चाय पिलाता हूँ तंदूरी। और वाकई में बहुत ही टेस्टी चाय था यहाँ का। और यहाँ पे थोड़ा सा नर्सरी भी था और सड़क के किनारे था, बट ये देखने में भी बहुत खूबसूरत था आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो भी कभी इलाहाबाद जाए तो यहाँ का तंदूरी चाय ज़रूर पिए। मुझे जगह सच में नहीं पता है कि जगह क्या है, बस मैं सबके साथ जाती थी, जहाँ सब लोग रुकता था वहाँ पे मैं रुक जाती थी। मुझे एरिया बिल्कुल नहीं पता चलता था कि ये कौन सा एरिया है, कौन सा जगह है, बस मैं चीज़ों को एंजॉय करती थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा पपी है ना, उसके साथ सब मस्ती कर रहे हैं। और फिर हमने ब्रेड पकौड़ा खाया और मोमो खाया, बस यही, क्योंकि सुबह खाली पेट हम निकल गए थे तो उल्टी उल्टी जैसा लग रहा था। और सिस्टर ने टिफ़िन बना के दिया था, वो नाश्ता भी बना दी थी कि पी कर लो, पर हम लोग कर नहीं पाए थे इतना मॉर्निंग। बड़ा वाला पिलाइए ना। हाँ चलिए अच्छा बनाइए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको तंदूरी चाय का पूरा रेसिपी दिखा रही हूँ। इन्होंने पहले बर्तन को, मिट्टी वाले बर्तन को, एक कोयले की भट्टी में रख दिया था, वो वहीं था, वहाँ से गर्म, काफ़ी गर्म था, ये वहाँ से उसे निकाल के अब बस इस पीतल के बर्तन में रख दे रहे थे और चाय निकाल के रख दे रहे थे और कुछ इस तरह से उसे बार बार मतलब चला रहे थे मिट्टी के बर्तन में ही। और इसका टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, अगर आप पियोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चाय पी रहे हो। और इसकी प्राइस बता देती हूँ, छोटा पुरवा वो 20 का था, बड़ा पुरवा जो था वो 30 रुपए का था। तो हम 3 लोगों ने बड़ा पुरवा पिया और हस्बैंड ने और दोनों बच्चे ने छोटा पुरवा पिया, कि हस्बैंड को चाय नहीं पसंद है और मुझे चाय बहुत पसंद है। मुझे दिन भर चाय मिले तो मैं दिन भर चाय पीऊँ, और पर हस्बैंड को सिर्फ एक टाइम चाहिए, सुबह में जब वो ब्रश करके आते हैं तब वो चाय पीते हैं, फिर उसके बाद दिन भर चाय नहीं पीते हैं। फिर हम वहाँ से बनारस के लिए निकल दिए और 3 घंटे में हम बनारस पहुंच गए। तो फ्रेंड्स अभी हम घर पहुंच गए हैं और देखिए छवि यहाँ पे पराठा और आलू गोभी का सब्जी खा रही है और मैंने दाल चढ़ा दिया है, दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो देखिए मैंने दाल चढ़ा दिया है और अभी सब कोई ऐसे ही बैठा है, बाकी जितना भी लगेज था ये देखिए सब ऐसे ही फैला हुआ है। अब बाद में इसे सेट करूँगी क्योंकि अभी बस खाना खिला के सभी लोग को, सूज भी वहीं पे पड़ा हुआ है, अभी बस सभी को खाना खिलाने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, फिर उसके बाद उठूँगी शाम को तो फिर बाकी का काम करूँगी। तो चलिए
पहले खाना बनाते हैं फिर बाकी के काम करेंगे। रुपेश कहाँ गया? रुपेश वॉशरूम चला गया। अभी मुझे यहाँ घर में आए हुए 15 मिनट हुआ है, तो आप घड़ी देख सकते हो कि 2 बजने में 15 मिनट कम है, तो बहुत सही समय पे हम घर भी आ गए। हस्बैंड भी अभी चले जाएंगे जॉब पे, तो चलिए पहले कर लेती हूँ, सभी को लंच करा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम होंगे। छवि और कुछ चाहिए तुमको? ठीक है, मेरा पर्स दो, पर्स पे रख दें। सब चीज लगा के फिर सिस्टर की घर से उसकी शादी का कैसेट लाई हूँ ना, कैसेट नहीं पेन ड्राइव लाई हूँ, तो देखूंगी आज।